सर अब आगे बात करेंगे राज्यसभा की कार्यवाही को लेकर। यहाँ कार्यवाही के दौरान मुद्दों को दौरान राजा महाराजा आपने सामने आते दिखाई दिए। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सिंधिया ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा, लॉकडाउन 1975 में थोपी गई इमरजेंसी जैसा नहीं था। इमरजेंसी में कांग्रेस ने पूरे देश को जेल बना दिया था। वहीं कृषि कानूनों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि किसान भारत के विकास की रीढ़ की हड्डी है, हम उन्हें अन्नदाता कहते हैं। किसान पूरे विश्व का पेट भरता है। हमारी सरकार 3 कृषि कानून जो लेकर आई है उससे किसानों की आय बढ़ेगी। राज्यसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कृषि सुधार के मसले को लेकर कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप भी लगाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ठीक बाद भाषण देने उठे कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, सिंधिया जी को बधाई, मैं आपको बधाई देता हूं। जितने अच्छे ढंग से आप यूपीए के कार्यकाल के दौरान यूपीए का पक्ष सदन में रखते थे, आज आपने बीजेपी का पक्ष सदन में रखा है। वाह जी महाराज वाह, इस तरह का तंज कसते दिखाई दिए दिग्विजय सिंह। और इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये सब आपका ही आशीर्वाद है। लेकिन राजा यहां पर भी चुपने हुए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारा आशीर्वाद आपके साथ था और आगे भी रहेगा। आपको बता दें संसद के बजट सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। इससे पहले किसान आंदोलन पर वार पलटवार का सिलसिला जारी रहा। और इस खबर पर बात करेंगे, राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश स्टेट हेड राज्य राज्यसभा की कार्रवाई को लेकर बात की जाए तो राजा महाराजा मुद्दों को लेकर आज आमने सामने आते दिखाई दिए। जिस तरह से कांग्रेस पर निशाना साधा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उस पर पलटवार करते दिग्विजय सिंह यहाँ पर नजर आए। क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई दी, किस तरह के मुद्दों को लेकर गूंज सुनाई दी राज्यसभा में? जी बीजेपी में शामिल हुए हैं जी, और ये पहला मौका है जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला जी, और जिस तरह से उन्होंने अपने बोधन में कहा, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि यहाँ तक उन्होंने जिक्र कर दिया कि आपातकाल में जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां थी वो स्थितियां परिस्थितियां इस जो 3 कृषि कानून आए हैं उसको लेकर नहीं है। ये कानून किसानों के हित में है और जो उनकी सरकार है वो किसानों के लिए ही काम कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम तरह से उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, और जिस तरह से इसके बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि और उनका कहीं ना कहीं ये कहते हुए कहा कि जो यूपीए सरकार में जो पक्ष वो कांग्रेस का रखते थे या फिर बीजेपी पर जिस तरह से पलटवार करते थे ठीक वैसे भी बीजेपी में वो कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह ने उन पर तंज कसा और उसी के बाद जिस तरह से उनका कहना था कि आशीर्वाद आपका ही है और दिग्विजय सिंह ने कहा कि यही आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के तेवर थे निश्चित तौर पर बिल्कुल बीजेपी में आते साथ जिस आक्रामक तरीके से उन्होंने बात की और जिस आक्रामक तरीके से कांग्रेस को कहीं ना कहीं घेरा और आड़े हाथों लिया, और ये पहला मौका है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने दिनों बाद उन्होंने कांग्रेस पर इस तरह से हमला बोला हो, तो कुल मिलाकर पूरे रंग में ज्योतिरादित्य सिंधिया आज देखिए बिल्कुल राजी। और जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन को लेकर 1975 में लगाई गई आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि लॉकडाउन आपातकाल जैसा नहीं था जिससे पूरा देश एक जेल की तरह बन गया था, और वहीं किसानों को लेकर बात की जाए तो कांग्रेस पर जिस तरह से उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कृषि सुधार के मसले पर लेकर कांग्रेस दोहरा रवैया अपनाती दिखाई दे रही है। ऐसे में महाराजा ने जिस तरह से कांग्रेस पर आरोप लगाए तो राजा की क्या कुछ स्थिति देखने को मिली, कांग्रेस की तरफ से क्या रुख सामने आया? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है लॉकडाउन के समय को लेकर जिस तरह से लगातार कांग्रेस या फिर राहुल गांधी मोदी सरकार को आड़े हाथों लेती है, कटघरे में खड़ा करती है, और उसी को लेकर जिस तरह से उनका आज पूरा जिक्र था, चाहे किसान आंदोलन की बात की जाए, चाहे कृषि कानूनों की बात की जाए या फिर बात की जाए लॉकडाउन को लेकर, और यही कारण है कि तीखे हमले कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर किए। हालांकि दिग्विजय सिंह ने भी कहीं ना कहीं उनको आड़े हाथों लिया और कहा कि जिस तरह से वो यूपीए सरकार में रहते हुए बीजेपी पर टक्कर में खड़ा करते थे, आज जो पैरवी वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की उसी ढंग से कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि एक जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय
सिंह के बीच जो एक लंबे समय से कह सकते हैं कि जब से वो शामिल हुए हैं बीजेपी में, तब से जो लगातार एक तकरार चल रही थी, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज जिस तरह से राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान उन्होंने जो कुछ किया दोनों की तरफ से, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर चाहे दिग्विजय सिंह हो, कहीं ना कहीं अपना जो बात थी, अपनी जो गुवार था, वो आज निकला है, देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरीके से बीजेपी के रंग में रंग चुके हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, और ऐसे में आज पूरे उन्होंने ये साफ कर दिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कि आगे किस तरह से वो कांग्रेस को अपने निशाने पर लेंगे। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम प्रति आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो जिस तरह देखा जाए राज्यसभा में आज राजा महाराजा आमने सामने आते दिखाई दिए, कांग्रेस पर जमकर